लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों और उनके परिवार वालों को लेकर विभिन्न स्थानों से 12 श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इन ट्रेनों से हजारों यात्री उतरे। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक एक मीटर की दूरी पर खड़ा करके सभी की थर्मल स्कैनिंग कराकर उन्हें बसों से गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर गोरखपुर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 3 प्लेटफार्म को चालू किया गया है। यात्रियों को प्लेटफार्म से बस में चढ़ने से के पहले जिला प्रशासन की ओर से लाई गई पैकेट बिस्किट पानी की बोतलें दी जा रही हैं, साथ ही भोजन का पैकेट और पानी भी मुहैया कराया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ट्रेनों से यात्रियों के लिए गोरखपुर में 3 प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है। एक तो प्लेटफॉर्म नंबर 1, एक प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 9। इन सभी पे 10 से 15 टीमें लगी हुई हैं जो यात्रियों को स्कैन करती हैं और उनका नाम, पता, कहाँ के रहने वाले हैं, सब डिटेल लेते हुए, मोबाइल नंबर लेते हुए उनको आवश्यक खाद्य पैकेट और उनको पानी की बॉटल, ये सब बिस्किट्स वगैरह उपलब्ध कराने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बसों में बैठा के उनको गंतव्य डिस्ट्रिक्ट तक भेजा जाता है। आज 12 ट्रेनें आ चुकी हैं, अभी आधे पौन घंटे के अंदर 3 ट्रेन और आ जाएंगी। फिर इसके बाद और आज 27 ट्रेनें शेड्यूल हैं, तो एक के बाद एक आती रहेंगी और उनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा।